हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे फिंगर अबैकस। ऑलरेडी मैंने फिंगर अबैकस स्टार्ट की थी, बट मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। मैं सोच रही हूँ अभी स्टार्ट करूँ, फिर से मैं वीडियोस फिंगर अबैकस रिलेटेड वीडियोस डालने के लिए कोशिश कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने फिंगर अबैकस स्टार्ट की हूँ। तो पहला हम देखते हैं थोड़ा रिवीजन। सो जो अर्लियर वीडियो में हम सीखे थे वो सभी यहाँ पे भी मैं थोड़ा आपको रिवाइज कर देती हूँ। तो पहले वीडियो में हम देखे थे 0 to 99 नंबर सेट करना फिंगर्स पे, तो वहाँ पे मैं पेपर्स के ज़रिए से आपको समझाई थी। अगर आप छोटे बच्चों को सिखाते हो तो आप भी, मेरा सजेशन ये है कि ऐसे ही समझाए जैसा मैंने समझाया, ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। तो अभी ये मेरा दूसरा वीडियो, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट हाथों पे करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको सभी को पता हो गया बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो फिर से हम 0 to 99 हाथ पे सेट करेंगे। तो फर्स्ट फोर नंबर्स नॉर्मली है 1 2 3 4, तो 5 के लिए ये वाला फिंगर और 6 7 8 9 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट 10 के लिए 10 है ना, मतलब 10th प्लेस में, तो 10th प्लेस के लिए हमें लेफ्ट हैंड ओपन करना है 1 और राइट हैंड का 0। 0 मतलब कुछ फिंगर्स हम ओपन नहीं करेंगे। अभी 11, तो 11 सेट किया था। नेक्स्ट 12 के लिए 1 2 12 है, सॉरी मेरे हाथ में माइक है तो इसीलिए मैं लेफ्ट हैंड पे नहीं बता रही हूँ। कोशिश करती हूँ मैं माइक सेट कर देती हूँ, फिर आपसे नंबर्स काउंटिंग बताऊँगी, क्योंकि मैं अक्सर बिजी रहती हूँ तो मैं पूरा सेटिंग करके नहीं बैठूँगी। जब भी मेरे बच्चों से थोड़ा भी फुर्सत मिल जाता है तो फिर मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ, बहुत जल्दबाजी में करती हूँ, तो इसीलिए मैं पूरा सेटिंग मैंने नहीं किया था। अभी मैं माइक सेट कर रही हूँ, माइक सेट करने बाद मैं आपको नंबर्स अपने हाथों में बता दूँगी। हाँ, हो गया है 11 12 13 14 15, ठीक है 16 17 18 19 20 20 राइट 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, ठीक है 51 52 53 54 55 56 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 67 68 69 80 okay 81 पहले मैं आपको फिंगर्स का थोड़ा दिक्कत आता है, सारे फिंगर्स एक साथ क्लोज ओपन नहीं होंगे, बट धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस पे हो जाएगा, ठीक है 91 92 93 94 95 96 97 98 99। तो ऐसे ही हम फिंगर्स को सेट करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी ठीक है, आप अर्लियर वीडियो देख लिए, मैं उसमें बहुत आराम से बताई थी। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन था तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी में बताई थी। अब हम इस नंबर को सेट करेंगे 3535 71, तो 10th प्लेस 7 1th प्लेस 1 नेक्स्ट 61 61 61 नेक्स्ट 35 35, ठीक है 7 8 78, ये भी आपको मेरा राइट हैंड सीधा नहीं दिख रहा है, सॉरी फॉर दैट 6 8 68। नेक्स्ट 4 2 42, नेक्स्ट 5 8 58, नेक्स्ट 1 5 15, या 1 5 15, नेक्स्ट 9 0 90। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े रैंडम नंबर्स पे कैसे सेट करने हैं वो भी आपको बता दी थी। तो अब हम देखते हैं अबैकस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ये सारा पूरा पार्ट रिवीजन ही था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में बता दिया था आपको। अगर आपको धीरे चाहिए तो आप इससे पहला वीडियो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको एडिशन समझाऊंगी। एडिशन के लिए हमें फिंगर्स को ओपन करना होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए हमें फिंगर्स को क्लोज करना होगा, ठीक है। तो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन सेपरेटली बताती हूँ पहला आपको, और आराम से करते हैं, हम लेवल बाय लेवल करेंगे। किसी चीज़ को भी हम आराम से सिखाना है, जब स्पेशली बच्चों को सिखाते हैं तो बहुत आराम से सिखाना चाहिए। तो पहला प्रॉब्लम है 2 + 1, सो टेक 2 फिंगर्स देन एड 1 मोर फिंगर यू नीड टू ओपन, सो 3। नेक्स्ट 2 +
ओके यहाँ पे मैं आंसर रख देती हूँ पहला थ्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्लस टू तो फोर। तो पहला हमें जब भी ओपन करते हैं तो इंडेक्स फिंगर से हमें स्टार्ट करना होगा और छोटे उंगली तक जा पहुँचना होगा, थ्री प्लस वन फोर, ठीक है। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो छोटे फिंगर से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप जिधर से कर रहे हो उस पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जब भी ऐड करते हो तो ऐसे ओपन ऐसे करेंगे, अब जब भी सब्ट्रैक्ट करते हो तो इस फिंगर से स्टार्ट करेंगे, छोटा वाला फिंगर से ऐड करते हो तो बड़ा वाला फिंगर। सो टू माइनस वन वन, ओके। नेक्स्ट वन टू माइनस टू, हाँ तो ऐसा क्लोज करना चाहिए, ठीक है, हाँ ज़ीरो। नेक्स्ट वन थ्री माइनस वन, सो ओपन थ्री फिंगर्स एंड क्लोज वन, सो थ्री माइनस वन हाउ मच टू। तो जब भी आप ओपन करते हो मतलब आप एडिशन कर रहे हो, आप फिर क्लोज करते हो तो सब्ट्रैक्शन करते हो, ठीक है। एडिशन आप इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करेंगे और सब्ट्रैक्शन आप छोटा वाला फिंगर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़े प्रॉब्लम समझाऊंगी जहां दो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिलकर रहेगा। तो इसमें मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मिलकर रहेंगे तो उसको हम फिंगर अपैकस से सॉल्व करेंगे। तो ये सारे मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स लिए थे आपको अच्छे से समझ आने के लिए। तो वन समझ आने के हम डिफरेंट मेथड्स भी करेंगे। सो थ्री माइनस वन प्लस टू तो कितना है फोर। तो आप ध्यान दीजिए मैं सब्ट्रैक्ट कैसे कर रही हूँ और ऐड कैसे कर रही हूँ इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप छोटे वाला फिंगर से ही सब्ट्रैक्ट करें तभी आपको करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर आप दूसरा साइड से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसीलिए आप जो भी फॉलो करते हैं वही प्रोसेस को फॉलो कीजिए, टू माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो कितना है आंसर टू। नेक्स्ट वन फोर माइनस टू, देखो हम रिमूव इधर से कर रही हूँ, ठीक है, फोर माइनस टू। नेक्स्ट प्लस टू, जब भी ऐड करती हूँ तो इधर से ऐड करती हूँ प्लस टू, तो थर्ड फिंगर ओपन कर रही हूँ, नेक्स्ट फोर्थ फिंगर, सो आंसर है फोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वन प्लस थ्री, हाँ देखिए मैंने कैसे ओपन किया, इधर से ओपन किया। नेक्स्ट माइनस टू, हाँ रिमूव करती हूँ तो छोटा वाला साइड से, सो आंसर इज टू। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी तक मैंने जो भी लिया वो पास्ट के अंदर के नंबर से, अभी मैं पास्ट से भी करूँगी। फाइव प्लस टू, अगेन प्लस टू, देन अगेन माइनस टू, देन अगेन माइनस वन, देन वन मोर माइनस वन, सो द आंसर इज फाइव। सो थंब फिंगर फाइव को रिप्रेजेंट करता है तो फाइव हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, आप जब भी ऐड करते हो तो आप इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट कीजिए, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो छोटा वाला फिंगर से सब्ट्रैक्ट कीजिए। जो भी मैं बता रही हूँ बेसिक मेथड है, ये सभी को अप्लीकेबल नहीं होता है, तो आप सिर्फ इसी प्रॉब्लम्स को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वन प्लस फाइव, वन प्लस फाइव प्लस टू माइनस फाइव प्लस वन माइनस टू, सो द आंसर इज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन वन प्लस टू माइनस वन, तो मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सॉरी, हाँ प्लस टू माइनस वन प्लस वन, सो आंसर इज़ फोर। नेक्स्ट फोर माइनस थ्री प्लस टू, यहाँ तक तो दिखा बट पता नहीं नेक्स्ट क्या है, सॉरी हाँ तो आप कीजिए आपको वही आंसर आएगा, सॉरी तो मेरे हाथ मैं वॉइस ओवर दे रही थी बट मेरा पता नहीं हाथ के नीचे कौन सा नंबर है, तो ये वाला रिप्रेजेंट करता है फाइव को और ये सारे फिंगर्स वन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, वन टू थ्री फोर, ये फाइव है, फाइव प्लस वन सिक्स, फाइव प्लस टू सेवन, फाइव प्लस थ्री एट, फाइव प्लस फोर नाइन, जैसा हम अबैकस में रिप्रेजेंट करते हैं उसी वैल्यू को हम हाथ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी। तो जैसा अबैकस में हम सारे प्रॉब्लम्स एक ही मेथड से नहीं करेंगे, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, फिंगर अबैकस में भी हम बेसिक मेथड्स यूज़ करके सारे चीज़ें हम ऐड नहीं करते, यहाँ पे भी हमें थोड़े फॉर्मूलास यूज़ करना होगा, यूज़ करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तो आप सारे प्रॉब्लम्स इस मेथड से ट्राई मत कीजिए, तो आप थोड़ा पेशेंस ही रखिए, मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट्स इसमें भी आपको समझा दूँगी।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारा कंटेंट है। आपको सभी वीडियोस नहीं दिखेंगे जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कर लेते हो। बहुत सारे टेक्निक्स मेथड्स मैंने बताया था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। डोंट फॉरगेट, एज इज जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।